सो टिप नंबर वन है इसके, आप पहली बार बुक्स के वर्ल्ड में एंटर कर रहे हो तो आपको ऐसी बुक पिक करनी चाहिए जो आपके इंटरेस्ट की हो। आप अपने इंटरेस्ट की बुक अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या फिर बुक स्टोर के जो ओनर होते हैं आप उनसे डिस्कस करके अपनी इंटरेस्ट की बुक पिक कर सकते हैं। एंड ये वाली बुक आप पिक करोगे ना तो थ्रू आउट द बुक आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आप अपनी बुक कंप्लीट कर पाओगे। तो सेकंड टिप ये है कि आप अपने लिए कंफर्टेबल सा स्पॉट फाइंड कर लें। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे बेड हो सकता है, काउच हो सकता है, सोफ़ा, चेयर्स, कुछ भी हो सकता है। बट कीप इन माइंड कि वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन से दूर हो। एंड उस प्लेस पर अगर आप कुछ सेटिंग्स दोगे रीडिंग के लिए तो ना ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में ऐसा पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि अगर आप उस स्पॉट को देखोगे ना तो तुरंत आपको एक बुक पढ़ने का माइंड में आएगा विचार। एंड इसकी वजह से ना आप बार बार बुक्स की तरफ इंक्लाइन होते रहोगे। एंड ऐसी प्लेस पे अगर आप बैठोगे ना तो आपका बहुत जल्दी उसी डायरेक्शन में दिमाग जाएगा, जैसे रीडिंग के लिए बैठ रहे हो तो उसी डायरेक्शन में दिमाग और तेज़ी से जाएगा, बिकॉज योर ब्रेन इज़ हैबिचुएटेड टू दैट पोजिशन। नंबर थ्री इसकी, आप चीज़ों को ना विजुलाइज करते रहें बुक्स में, तो जैसे आप बुक्स पढ़ते जा रहे हैं उसी के साथ साथ ना कैरेक्टर, सेटिंग सब कुछ विजुलाइज करते रहोगे ना तो आपके माइंड में ना एक उस बुक की ना मूवी क्रिएट हो जाएगी। एंड एज वी नो जो चीज़ें हम विजुअली देखते हैं ना वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती है, तो अगर आप अपने माइंड में वो मूवी प्ले करोगे ना तो आपको वो बुक्स की चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। एंड द बोनस टिप इज़ दैट कि आपकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी और ये मूवी की वजह से ना आपका इंटरेस्ट बुक के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ता जाएगा। टिप नंबर फोर इज़ कि आप अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट कर दें। इससे होगा क्या कि आप एक लंबी सिटिंग दे पाओगे बुक पढ़ने के लिए। एंड लंबी सिटिंग देने का फ़ायदा ये है कि आपका इंटरेस्ट बुक पे बना रहेगा एंड आपके आप बुक के साथ टच छूटने नहीं वाला। एंड अगर आप बुक को जल्दी कम टाइम में कंप्लीट कर लोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस बुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप फ्यूचर में आने वाले बुक्स को और इंटरेस्ट से पढ़ोगे, उनको कंप्लीट करने के इंटेंशन से पढ़ोगे। सो द फाइनल टिप ऑफ दिस वीडियो इज़ टू रिफ्लेक्ट द स्टोरी ऑन योर रियल लाइफ। टेक सम टाइम टू रिफ्लेक्ट द स्टोरी ऑन योर रियल लाइफ। इससे होगा क्या कि आपको पता चलेगा कि बुक में आपको कौन सी चीज़ें पसंद आई और कौन सी चीज़ें पसंद नहीं आई। एंड ये करने से होगा क्या कि आपको ना ऑथर का जो मैसेज है जो वो कन्वे करना चाह रहा है बुक के थ्रू, वो ना एक डीपर लेवल पर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी उस चीज़ की। तो ये थी इस वीडियो की टिप्स। तो कैसी लगी वीडियो, आपको ऐसी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।